नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे पुनर्जीवन न्यूरोथेरेपी हेल्थ केयर सेंटर में। देखिए, मैं आज कृष्णा आंटी से आपको मिलवाऊंगी। कृष्णा आंटी जब मेरे पास आए थे तो इनको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत थी और ये डॉक्टर के पास एडमिट भी हुए और आंटी को डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपके जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, वो 99% खराब हो चुके हैं, क्योंकि आंटी को 8-9 साल पहले टीबी हुई थी और टीबी की रिकवरी हो गई थी, लेकिन उसके बाद जो लंग्स की मोबिलिटी है वो खत्म होती चली गई धीरे धीरे और आंटी को सांस लेने में दिक्कत थी। जब आंटी मेरे पास आए थे तो ये मतलब चल भी नहीं पा रहे थे ढंग से। बाकी तो आंटी से पूछते हैं। आंटी, जब आप आए थे, जब मैं और आज में पहले आने वाली कंडीशन बताओ। घुटनों के साथ इसके अंदर आई थी मैं सेंटर में और अब मैं 9 दिन हो गए हैं अपने आप अपने गांव से इसके पास चल कर आती हूँ। मुझे तो नई जिंदगी प्राप्त हुई है। अब आप ठीक हैं? हाँ, बिल्कुल। खाना छूट गया था आपका? बिल्कुल ठीक हो रही। बहुत ज्यादा भूख लगती है मुझे। अच्छा, खाना मांगने लग गया शरीर? हाँ, खाना मांगता है। देखो, गांव से हैं, ज्यादा नहीं बोल पाते, कैमरे के आगे थोड़ा सा घबरा जाते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, आंटी का खाना पीना बिल्कुल छूट चुका था, आंटी की मसल्स बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और इनका बेटा मेरे पास लेकर के आया था और उनका दोस्त। वो बोले, मैडम डॉक्टर ने बिल्कुल जवाब दे दिया है, मम्मी की सेवा के लिए बोला है और हम हर दवाई दिला चुके हैं, काफी हमने ट्रीटमेंट कराया, लेकिन 19-20 भी आराम नहीं है, कई दिन हो गए मेरी माँ को सोए। ऐसे ही था ना आंटी? बैठ के रात काट रही है। हाँ जी, तो अब जब ये आए थे मतलब ऐसा था कि जैसे अभी थोड़ी देर में दम निकल जाएगा, बिल्कुल मतलब बिल्कुल छोटा छोटा सांस इनको आ रहा था। मैं डिफाइन नहीं कर पाऊंगी इनकी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी, मुझे खुद रोना आ रहा था इनको देख के। मैं भी परमात्मा का नाम लिया, आशीर्वाद लिया और कोशिश की। मैं खुद घबरा गई थी कि भाई इतनी सीवियर कंडीशन में कैसे आंटी को हम एकदम से ठीक करेंगे, लेकिन प्रभु के आशीर्वाद से एक ट्रीटमेंट दिया और आंटी सीधी खड़ी हो गई थी। जो बिल्कुल घुटनों के बल चल के आई थी वो सीधी खड़ी होके अपने पैरों से गई थी। मुझे तो किसी प्रकार के भगवान मिल गए। परमात्मा है आपके साथ, हम तो सिर्फ माध्यम है। तो देखिए, जब 99% खराब हुए फेफड़े दोबारा से रीजनरेट हो सकते हैं, दोबारा से काम करने लायक हो सकते हैं और आज आंटी 15-20 किलोमीटर दूर से डेली बाय बस मेरे सेंटर पे खुद अकेली आती हैं। और आंटी को पहले ही दिन आराम आ गया था, लेकिन तीसरे चौथे दिन तो बिल्कुल ठीक हो गई थी। और 3 दिन से तो आप अकेले आ रहे हो ना? अकेले आ रही हूँ। पहले बेटा लेके आता था? पहले बेटा लेकर आता था, फिर 2 दिन बेटी आई, अब अकेले आती हूँ। चलो। और अब कहती है आंटी मेरे को कि बेटा मेरे को पहले पहले दिन जब मैंने ट्रीटमेंट दिया, बोली बेटा मेरे को भूख नहीं लगती, खाना तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता और ये तो मेरे को काफी दिन से दिक्कत है। मैंने कहा आंटी पहले आपके पेट को ही ठीक करूंगी, फिर आपके फेफड़े ठीक होंगे और सारा शरीर ठीक हो जाएगा और आपका वेट भी बढ़ेगा। और मैंने इनको एक ट्रीटमेंट दिया, पेट सेट किया, घर जाके आंटी ने 1.5 रोटी खाई, है ना आंटी? हाँ। बड़ी खुश हुई और इनकी बेटी का फोन आया कि मेरी माँ ने आज पहली बार इतने साल में 1.5 रोटी खाई है, हम जीने लायक इतना सा देते थे उसको भी छोड़ दिया करती। तो इस तरीके से हम ट्रीटमेंट करते हैं बिना मेडिसिन के। तो मैं ये वीडियो इसलिए बनाती हूँ ताकि आपकी हेल्प हो। एक तो मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारी न्यूरोथेरेपी में हर बीमारी का इलाज है। हम शरीर को के सिस्टम को ठीक करते हैं, मल्टी ऑर्गन के काम को ठीक करते हैं, शरीर के कुछ हिस्सों के ऊपर प्रेशर डाल के इंटरनल मल्टी ग्लैंड के काम को सुधारा जाता है और धीरे धीरे आपके सारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन इक्वल हो जाता है और सारा पेन निकल जाता है। ये न्यूरोथेरेपी अपने आप में एक जादू है। तो इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप एक विजिट जरूर हमारे सेंटर की करें। फोन करके मेरे से ये ना पूछें कि मैम आप कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, ये आंटी बता देंगी कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। आंटी बहुत अच्छा। कोई दर्द तो नहीं, नहीं। होता? तो इस तरीके से अगर आप भी ठीक होना चाहते हैं तो ज्यादा लेट ना हो, अब सर्दियां भी जा चुकी हैं, आप किसी भी बीमारी से अगर पीड़ित हैं, रिपोर्ट्स हैं तो बहुत अच्छी बात, अपनी रिपोर्ट साथ लेकर के आए। अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने आप डायग्नोज करेंगे और आपको ठीक करेंगे। थैंक यू।